अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमत बरकतें समेट रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू रेसिपी मटन कीमा और मर्ज़ेला चीज़ में बनाने का नया और आसान तरीका। तो दोस्तों इसमें हम क्या शामिल करेंगे, एक पाव हमने कीमा लिया है, नमक काली मिर्ची और ये मर्ज़ेला चीज़ जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी, इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें छोटा सा चम्मच घी ऑयल का डाला है, 2 चम्मच घी के। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे, तकरीबन 1 पाव कीमा है। इसमें हम और क्या शामिल करेंगे, एक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच काली मिर्ची। इसको अच्छी तरीके से पकाना है इस तरीके से। अब 1 प्याज हम इसमें छोटा सा शामिल करेंगे, इसे बारीक चॉप करके इसमें डालना है। ये शिमला मिर्च है जो हम इसमें डाल रहे हैं, तकरीबन 2 शिमला मिर्च, 1 हरे वाला 1 लाल वाला हम इसमें शामिल करेंगे। या अब हमने इसमें लाल वाला भी शिमला मिर्च डाल दिया है। बहुत आसान और इजी है, इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, इसका पानी खुश्क करना है। कीमा 2 दफ़ा निकला हुआ है, ये मर्ज़ेला चीज़ है जो हमने अपने हाथ से बनाई थी। ये अब हम इसको कद्दूकस करके रखेंगे। ये कीमा तैयार हो गया, इसको ठंडा करके हम इसमें ये चीज़ शामिल कर देंगे। ये इस तरीके से आप देख लें। अब हमने मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा हमने घी डाल दिया 2 चम्मच और थोड़ा सा नमक। अब हम इसको हाथ से मिक्स करके और नीम गरम पानी में इसको गूंद लेंगे। इसको गूंदने के बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे। ये आप देख ले, अच्छी तरीके से इसको गूंद लेना है, गूंद के इसको शापर में डाल देना है ताकि ये छिलका नहीं बांध ले, खुश्क नहीं हो जाए। ये रोटी हमने बेल दी है, इसको 2 हिस्सों में काट लेना है। आप चाहें तो पूरी रोटी की भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसको कीमा रखना है। ये हमने रोल बना दिया है, आप देख ले, अब हमारे रोल तैयार हो गए। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के साइडों से इसको बंद कर देना है। अब हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, अब हम इसमें ऑयल डाल दिया है। ये आप देख ले, अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे, सुर्ख होने तक इसको पकाना है हल्की आंच पे,
ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी है। उस तरीके से कल्टी करना है। दोस्तों मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना। और दोस्तों ये देख लो अब ये हमारे मटन और चीज़ के रोल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको उतार देते हैं। इसे ज़्यादा कड़क नहीं करना है, बहुत स्पंजी नरम रोल बनते हैं ये। और दोस्तों आप देख ले बहुत ज़बरदस्त टमाटो केचप के साथ दही के रायते के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख ले, ये मोज़रेला चीज़ जो हमने इसमें डाली थी हाथ से भी टूट जाते हैं। ये आप देख ले मोज़रेला चीज़, ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।